हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी कोटायम के कॉलेज रिव्यू की। होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। और यार, इस वीडियो से पहले मैंने बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों को विजिट करना है अपने ड्रीम कॉलेज का रिव्यू, तो आप लोग नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर उन्हें विजिट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यार, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूं, तो आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को एंजॉय कर पाए। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू की। तो इंस्टीट्यूट नेम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटायम, ऑल्सो नोन एज ट्रिपल आई टी कोटायम। इंस्टीट्यूट टाइप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एस्टैब्लिश इन 2015 एंड लोकेशन कोटायम केरला। आगे बात करूं गाइज मैं कनेक्टिविटी की, तो अगर आप लोग बाय एयरवेज आना चाहते हैं तो आप लोग कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बाय रेलवेज आ रहे हैं तो आप लोग कोटायम रेलवे स्टेशन पर भी आ सकते हैं। सो गाइज, आगे बात करना चाहूंगा कोर्सेज ऑफर की। तो बीई बीटेक प्रोग्राम में ट्रिपल आईटी कोटायम टोटल 3 कोर्सेज ऑफर कर रहा है। इसके अलावा एमई और एमटेक प्रोग्राम में 2 कोर्सेज ऑफर करता है ट्रिपल आईटी कोटायम। सो गाइज, ये जो नया कोर्स है सीएसई विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, ये इन लोगों ने नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। तो यार, बीई बीटेक के जो तीनों कोर्सेज हैं वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा गाइस, एमई एमटेक प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। आगे बात करूं गाइस ट्रिपल आईटी कोटायम के फेस्ट के बारे में, तो ध्रुवा यहां का एनुअल टेक फेस्ट रहता है। इसके अलावा बात करूं गाइस, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स फेस्ट और कोडिंग फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ताकि आप लोग अपनी कोडिंग स्किल्स पर भी वर्क कर सके। आगे बात करूं गाइस फी स्ट्रक्चर की, तो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ फी स्ट्रक्चर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि आपको टोटल फी पेमेंट कितना करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर की बात करूं गाइस, तो ट्यूशन फी टोटल 99,000 रहती है फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर की भी सेम रहती है। सेकंड ईयर की बात करूं गाइस, तो आपको थर्ड और फोर्थ सेम दोनों में 1,08,900 टोटल ट्यूशन फी पड़ने वाली है। थर्ड सेम में भी गाइस आपको सेम फीस पड़ने वाली है और फोर्थ ईयर में भी आपको सेम फीस पढ़ने वाली है। इसके अलावा इस हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज की फीस भी दी हुई है, और मेस एडवांस मिला के आप जो टोटल फी पड़ती है वो टोटल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बात करना चाहूंगा गाइस हॉस्टल एंड मेस की, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है किसी भी कॉलेज रिव्यू में, क्योंकि यार हॉस्टल्स में आप लोग अपनी 4 साल बिताने वाले हैं, वैल्यूएबल 4 साल होपफुली। और यार, हॉस्टल्स में ही आप लोग अपना करियर बनाने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, दोस्तों के साथ मजे करने वाले हैं और बहुत सारी फन एक्टिविटीज करने वाले हैं। सो गाइज, द हॉस्टल्स आर वेल मेंटेन्ड। द हॉस्टल बिल्डिंग इज हैविंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर पीपल एंड प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज। सो गाइज, हॉस्टल्स बहुत ही अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड है, पर यार हॉस्टल जो पुराने हैं उनका भी काम चल रहा है, ताकि नए बच्चों को वो लोग वहां पर एडमिशन दे पाए। सो गाइज, इसके अलावा दे हैव 3-सीटर रूम्स विद अटैच वॉशरूम्स, वॉशिंग मशीन्स ऑन ईच फ्लोर, बैडमिंटन कोर्ट एंड टेबल टेनिस। तो यार, 3-सीटर रूम आपको अवेलेबल रहते हैं हॉस्टल्स के अंदर, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, वॉशिंग मशीन्स मिल जाती हैं हर एक फ्लोर पर अलग अलग, और बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस भी आपको खेलने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस अदर फैसिलिटीज की बात करता हूँ, तो फैसिलिटीज आर टॉप नॉच, हाई स्पीड वाईफाई मोर देन 150 Mbps की स्पीड के साथ। इसके अलावा वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स लाइक टीटी, क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। तो यार, फैसिलिटीज में आपको वाईफाई की बहुत ही बढ़िया स्पीड मिलने वाली है। इसके अलावा बढ़िया फर्निश्ड क्लासरूम्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यार इंस्टीट्यूट काफी नया है और लगभग 6 से 7 साल पुराना इंस्टीट्यूट रहता है, तो आपको बढ़िया क्लासरूम्स मिलने वाले हैं, अच्छी कंडीशन में आपको कैंपस मिलने वाला है, बिल्कुल साफ सुथरा। इसके अलावा गाइस बात करूं, तो स्पोर्ट्स हेयर आर गिवन इक्वल प्रायोरिटी विद स्टडीज, एवरी सेमेस्टर इंट्रा ट्रिपल आई टी स्पोर्ट्स मीट इज हेल्ड। सो गाइस, ट्रिपल आई टी कोटायम में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी खासा ध्यान रखा जाता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफी बढ़िया रहती हैं ट्रिपल आई टी कोटायम में। इसके अलावा इंट्रा ट्रिपल आई टी स्पोर्ट्स फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ताकि आप लोग अपने स्किल्स पर काम कर पाए। रिगार्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ट्रीट स्टूडेंट्स। तो यार, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करूं, तो आपको बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली है, बढ़िया क्वालिफाइड डॉक्टर आपका इलाज वहां पर करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस बात करूं, तो हॉस्टल इज वेल फर्निश्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज लाइक लॉन्ड्री, मेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स विंडो व्यू। तो यार, आपको जैसे मैंने पहले बात की थी, हॉस्टल काफी बढ़िया मिलने वाले हैं, अच्छी कंडीशन में मिलने वाले हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री और मेस की बढ़िया फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, और गाइस खासकर जो यहाँ का विंडो व्यू है वो काफी बढ़िया बताया जाता है।
ट्रिपल आईटी कोटायम हैज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। तो यार ट्रिपल आईटी कोटायम का जो कैंपस है वो बिल्कुल लश ग्रीन कैंपस एरिया है और काफी सुंदर कैंपस एरिया है। एक बार आप लोग विजिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार आप लोग बहुत ही बढ़िया कॉलेज में आ चुके हैं। आगे बात करना चाहूंगा गाइस सीट मैट्रिक्स की, कि कितनी टोटल सीट्स अवेलेबल हैं ट्रिपल आईटी कोटायम में एडमिशन के लिए। सो गाइस सीएससी जेंडर न्यूट्रल में 187 सीट्स रहती हैं। इसके अलावा फीमेल ओनली के लिए सीएससी में 17 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। वहीं स्पेशलाइजेशन जो कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का, उसमें 44 सीट्स हैं और फीमेल के लिए गाइस उसमें 4 सीटें अवेलेबल रहती हैं। ईसीई में गाइस जेंडर न्यूट्रल के लिए 44 सीट्स हैं और फीमेल ओनली के लिए 4 सीट अवेलेबल रहती हैं। इसका मतलब गाइस टोटल 300 सीट्स अवेलेबल हैं ट्रिपल आईटी कोटायम में एडमिशन लेने के लिए। सो गाइस ये जो सीट्स हैं इनको फिल करने के लिए आपको क्या रैंक्स टारगेट करनी है जेईई मेंस में, उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सो गाइस कट ऑफ की मैं बात करूंगा, एक एक करके सभी कैटेगरीज को हम कवर करेंगे। जितनी भी गाइज यहाँ पर रैंक्स हैं वो सारी कैटेगरी वाइज रैंक्स रहने वाली हैं। जैसे अगर जनरल की रैंक है तो वो सीआरएल रैंक होगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एससी कैटेगरी की रैंक है तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी में रैंक रहने वाली है। सो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। सो गाइज जो सबसे पहले ब्लॉक आ रहा है ये राउंड वन की ओपनिंग रैंक है और सेकंड जो ब्लॉक है वो राउंड सिक्स की क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। सो गाइज जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ तो सीएससी में ओपनिंग है 14,703, क्लोजिंग है 35,409। वहीं ईसीई में ओपनिंग है गाइस 28,326 और क्लोजिंग है 41,058। इसके अलावा गाइस ओबीसी कैटेगरी में सीएससी ओपन होता है 6,990 पर, क्लोज होता है 14,151 पर। ईसीई गाइस ओपन हो रहा है 9,364, क्लोजिंग हो रहा है 14,871 पर। इसके अलावा गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीएससी ओपन होता है 4,565, क्लोजिंग है 6,635। वहीं ईसीई 5,222 पर ओपन होकर 7,038 पर क्लोजिंग हो जाता है। आगे बात करूं गाइस एससी कैटेगरी की तो सीएससी ओपन होता है 4,908, क्लोजिंग है 9,971। ईसीई की गाइस ओपनिंग है 5,988 और क्लोजिंग है 10,242। एसटी कैटेगरी की गाइस अगर मैं बात करूं तो सीएससी ओपनिंग है 1,193, क्लोजिंग है 5,319। वहीं ईसीई की अगर मैं बात करता हूं तो 3,320 ओपनिंग और 5,511 पर क्लोजिंग रैंक जाती है। सो गाइज यहां पर जो सीएससी में स्पेशलाइजेशन कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का, उसकी कट ऑफ यहां पर नहीं दी हुई है क्योंकि यार ये जो कोर्स है वो नया है और इसकी कट ऑफ अभी तक हमें पता नहीं है। बट हम लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि यार जो सीएससी और ईसी की कट ऑफ है इनके ही बीच में लगभग उसकी भी कट ऑफ रहने वाली है। आगे बात करने वाला हूँ गाइज मैं प्लेसमेंट्स की, जो कि यार सबसे इम्पोर्टेंट और बढ़िया पार्ट रहता है जिसके लिए सभी बच्चे एक्साइटेड रहते हैं सुनने के लिए, क्योंकि यार हम लोग जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन इसीलिए करते हैं ताकि हमें एक बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन मिल पाए और हम एक बढ़िया सा प्लेसमेंट लेकर वहां से निकले और अपना अच्छा सा करियर सेट कर पाए। सो गाइज प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी प्लेसमेंट्स 2021 के चल रहे हैं, पर अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज लगा है वो लगाया गया 36 एलपीए का और एवरेज गया है लगभग 9.07 एलपीए का। टोटल जो ऑफर्स हैं गाइज वो आए हैं 97 और इसके अलावा जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स है गाइज वो है 88%, मतलब लगभग 90% बच्चों का गाइज प्लेसमेंट लग चुका है जो कि काफी बढ़िया बात है यार। तो यार ट्रिपल आई टी कोटायम के प्लेसमेंट्स काफी सही है, तो अगर आपकी एक बढ़िया रैंक आई है जेई मेंस में तो आप लोग ट्रिपल आई टी कोटायम को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको उतना जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे बात करते हैं गाइस कंपनीज विजिटेड की, कि इतने बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट्स कौन कौन सी कंपनियां दे रही हैं। सो गाइस पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस विप्रो, उसके बाद टीसीएस, निसान, माइंडट्री, आईबीएम, बॉस, डेल्टा और कैपजेमिनी। इसके अलावा गाइस बहुत सारी कंपनियां हैं बट पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता वरना पूरी स्क्रीन भर जाएगी। सो यार अगर आपको जानना है और भी कंपनीज के बारे में तो आप लोग ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइज ये था पूरा ट्रिपल आईटी कोटायम का कॉलेज रिव्यू। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।